हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रही है सुबह की शुरुआत और आज है नवरात्रि, पहला नवरात्रि। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पोछा और मेरे घर में कमरे और किचन में पोछा लग चुका है, मैंने लगा लिया है। अभी मैं लगा रही हूँ आंगन में। तो कब बताया था आप लोगों को कि मैं कभी कभी पोछा लगाती हूँ आंगन में, रोज़ नहीं लगाती हूँ, मतलब हफ्ते में ऐसे ही। तो पोछा वगैरह हमारा लग गया है और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और आराध्या को नहीं नहलाया है। अभी मैं लगा लेती हूँ, अपने पैरों में रंग लगा रही हूँ, तो वही मैं लगा रही हूँ रंग। और आराध्या कह रही मुझे भी लगा दो, तो ये खड़ी है इसीलिए रंग लगवाने के चक्कर में। ये बहुत आगे रहती है इन सब कामों में, सोचती है कि मेरे भी लगा देंगी, पर इनको मैं नहीं लगाऊंगी। और इधर मैंने कर ली है पूजा रंग वगैरह लगाने के बाद, और मैंने मेरे करने के बाद अनिकेत ने भी पूजा कर ली है। तो दोनों आज अनिकेत का भी व्रत है, क्योंकि अनिकेत बोला मम्मी मैं भी रहूँगा व्रत, तो मैंने कहा तुम भी रख लो। और इधर आराध्या को मैंने नहला दिया था और फिर मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि हम लोग को तो खाना नहीं है, दो लोग को खाना है, सिर्फ दो लोगों का नहीं खाना है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ, ये बीन्स लाए थे भाई, मेरा बीन्स लाया था, तो वही मैं बीन्स काट रही हूँ। और इसे बीन्स बहुत पसंद है और इसे जो चीज़ पसंद होती है वो बार बार लेके आता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं खाना, यही खाएगा, और हम माँ बेटा तो खाएंगे नहीं, यही जीजा साले खाएंगे। तो ये मैं सूख गई हैं हल्की हल्की सी, ला के रखो दूसरे दिन सूख जाती हैं। तो मैंने बीन्स वगैरह काट के और खाना वगैरह मैंने बना दिया और आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, क्या वही चीज़ रोज़ रोज़ शेयर करो, तो मैंने नहीं दिखा पाया है उसको। तो और यहाँ पे मेरी अलमारी में इतने ज़्यादा कपड़े, मतलब ऐसे हो रहे थे कि रोज़ इनको रखो रोज़ हो जाते। तो मैंने आज सारे कमरे की उलट पलट कर दी, सारी अलमारियाँ खाली कर दी। और ये हमारी जो साड़ियाँ हैं वो मैं फोल्ड करके रखती हूँ, फिर भी ये ऐसे पता नहीं कैसे हो जाती हैं निकालने रखने में। तो मैंने सोचा आज मैं पहले ये भी काम निपटा ही देती हूँ, तो ये काम मैं आज कर ही देती हूँ। और ये पूरे दिन मैंने यही किया है, सुबह से सारा वो का सब काम किया दोपहर तक, फिर उसके बाद खाली हुई जब मैं घर किचन के काम से, तो इधर मैंने ये सारे कपड़ों वगैरह को मैंने फोल्ड किया और इनको मैंने कहा रख देती हूँ फोल्ड करके अच्छे से। तो आज इन सारी अलमारियों में मैं अच्छे से सजा के रखूँगी।
और बहुत दुखी हो गए हैं हम कपड़े रख रख के। और साड़ियाँ भी बहुत बाहर हो गई हैं मेरी, क्योंकि मैं पहनती हूँ ना तो, और एक साड़ी रोज़ पहनने का मन नहीं करता मुझे, मैं सोचती हूँ मुझे बदल के पहननी पड़ मिले। और साड़ियाँ भी हैं बहुत सारी हमारे पास, तो सोचते हैं इनका करेंगे क्या, गर्मी हम वैसे भी नहीं पहनते हैं और अब तो गर्मी आ गई है, और ये हल्की ही पहनेंगे, ये भारी वाली साड़ियाँ रख देंगे, अब इनको हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि गर्मियों में तो ये हल्की भी पहनना भारी पड़ जाता है, तो भारी साड़ी की बात ही दूसरी है। और ये साड़ी हमारी बहुत पुरानी हो गई, तो सोच रही हूँ उसको अब रिटायर कर दूँ, पर कपड़ा है अच्छा लगता है वो हटाने का मन नहीं करता है मुझे, तो पता नहीं मेरी आदत कैसी है। और इनकी अलमारी में भी मैंने कपड़े सारे देखो कितने अच्छे सेट कर दिए हैं, ये मैंने अपनी अलमारी में और इनके ऊपर वाले कपड़े में एकदम सेट कर दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा था, अलमारी भी एकदम से मैंने सेट करके रखा है। और फिर ये बहुत सारे कपड़े उसके बाद ये हमारे कपड़े इतने हमारे क्या इनके ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा अब इनको मैं प्रेस भी कर देती हूँ, और इन कपड़ों को सबको मैं प्रेस कर दूँगी, क्योंकि ये कपड़े बहुत हो गए और हफ्ते में एक ही बार प्रेस करती हूँ, और इधर आराध्या बहुत शैतानी कर रही है और ये कपड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के करती है, तो यहाँ प्रेस लगाने में हमसे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पहले इधर वाला बोर्ड था हमारा गेट के सामने का, तो वो ठीक था, और यहाँ पे बैठ के मुझे उल्टा सीधा ऐसा लगता है उल्टा लगा रही हूँ बैठ के प्रेस, और ये डोरी भी बार बार घूम जाती है, और ये देखो ये खड़ी है अब प्रेस लगा रही हूँ वहीं पे ये खड़ी है, हटती नहीं है बिल्कुल भी, इसे नहीं लगता है इसको कि मतलब हम कहीं चप मेरे चप से लग जाए जल जाए या कुछ भी, तो ये नहीं सुनती हैं। और यहाँ पे मैं इनके कपड़ों में ही प्रेस करूँगी, ये 4-5 जोड़ी कपड़े हैं इनके, और मेरे भी कुछ ब्लाउज वगैरह हैं, तो अनिकेत की ड्रेस वगैरह है, तो सोच रही हूँ अब तो अभी अनिकेत स्कूल पेपर वगैरह हो गए फिर भी स्कूल अब जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ प्रेस करके रख देती हूँ। आज ये भाई बहन ने दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो अनिकेत को मैं बोल रही थी कि इसको ले जाओ यहाँ से, कहीं गलती से लग जाएगी प्रेस व्रेस तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चा है उसे थोड़ी पता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए कहाँ पर नहीं, पर हम तो समझदार हैं तो हमें तो पता है। और यहाँ पे मैं इनकी शर्ट में प्रेस करूँ, और इस टाइम प्रेस लगाओ कुछ कपड़े ऐसे जिनमें प्रेस रगड़ते रगड़ते हाथों में दर्द हो जाता है, पर उसकी जो सिकुड़न है वो नहीं जाती है, पानी छिड़क छिड़क के करना पड़ता है और नमी नहीं रहती है ना, ठंडी में ठीक रहता है थोड़े से वो कपड़े वैसे होते हैं नम, तो उनमें अच्छे से प्रेस हो जाती है, इस टाइम तो एकदम सूख के पापड़ हो जाते हैं कपड़े, तो इस टाइम नहीं हो पाता। और मैंने यहाँ से मुझे नहीं बन रहा था लगाने में, तो मैंने यहाँ से हटा के इधर मतलब चादर बिछाई है, तो यहाँ पे मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि यहाँ पे मुझे हो नहीं रहा था प्रेस लगाने में, तो अभी यहाँ पे मैं बहुत मतलब इतना टाइम लगा था मुझे, करीब एक घंटा लगा था सब कपड़ों में प्रेस करने में, और फिर उसके बाद सारी अलमारी में रखने में और भी कपड़े थे फोल्ड करने के लिए, तो सब मिला के मुझे करीब 1-1.5 घंटा लग गया था ये सब करने में। और फिर शाम हो गई थी, फिर पूजा का भी टाइम हो गया था, तो मुझे नहाना भी था, फिर नहा धो के मैंने पूजा वगैरह की, और आराध्या नीचे उतर गई थी तो कैमरा हिला रही थी उसको स्टैंड को पकड़ के, और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। दोस्तों आप लोग हमें वीडियो को हमारे लाइक नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग बिल्कुल भी, तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे भैया दीदी हमारे फ्रेंड जो हैं उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिए और हमें लाइक कीजिए, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। आप लोग से रोज़ रोज़ बोलते हैं, हमें थोड़ी सी शर्म भी आने लगती है कि आप लोग कहेंगे रोज़ रोज़ बोलती हो, तो बोलना पड़ता है क्या करें, आप लोग नहीं करते हैं तो बोल देती हूँ, ऐसे तो अच्छा मुझे भी नहीं लगता है बोलने में, तो अभी हमारी ये सब प्रेस वगैरह करके रखूँगी, और फिर शाम का बनाना है खाना भी मुझे, तो इन लोग के लिए, और अनिकेत भी व्रत है तो उसके लिए भी कुछ आलू वगैरह बना देंगे, क्योंकि पहली बार व्रत कर रहा है तो खाएगा ज़रूर भूखा, फिर नहीं तो कहेगा मम्मा रोटी दो। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।